मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो आदेश देगी मैं उसका पालन करूंगा। सभी के दिमाग में एक सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। इधर श्योपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी आदेश देगी मैं वही करूंगा। श्योपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसा बहुमत मिला है कि लोग दंग रह गए। ये प्रचंड विजय जो बहनों के आशीर्वाद से मिली है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता की श्रद्धा और अटूट विश्वास की विजय है। ये डबल इंजन की सरकार के काम की जीत है। ये विजय मेरी लाडली बहनों, तुम्हारे प्यार और भाई के प्रति स्नेह की जीत है। देखो, सबसे पवित्र रिश्ता अगर दुनिया में कोई है तो वो रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता। मेरी बहनों, आज श्योपुर में मेरी बहन ने मुझे पगड़ी बांधी है। भाई पगड़ी बांधते थे, लेकिन लाडली बहना पगड़ी बांध रही है। मेरी बहनों, मैं आपको वचन देता हूं, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और बहनों की शान कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं श्योपुर विजयपुर की जनता का, कार्यकर्ताओं का हृदय से आभारी हूं, उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन दिया। हार जीत होती रहती, कई कारण उसके रहते हैं। हम यहां नहीं जीते, लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसा बहुमत मिला है कि लोग दंग रह गए कि इतने इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। ये प्रचंड विजय जो बहनों के आशीर्वाद से मिली है, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता की श्रद्धा और अटूट विश्वास की विजय है। ये विजय जो काम हमने किए जनता के लिए, विकास के लिए, सबके लिए काम किए, भाई बहन भांजे भांजी, ये डबल इंजन के सरकार के काम की जीत है, विजय है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी मुझे जो निर्देश देगी मैं वही करूंगा। प्रेस द्वारा बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर गड़बड़ी थी तो वो श्योपुर में क्यों जीते। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काम पार्टी का है, मेरा नहीं। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो श्योपुर में वो क्यों जीते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।